ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। भक्तों, आगे की कथा में हम आपको अंधकासुर की उत्पत्ति की कथा का वर्णन करते हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, हे व्यास जी, जिस प्रकार अंधकासुर ने परमात्मा शिव के गणाध्यक्ष पद को प्राप्त किया था, उस मंगलमय चरित्र का श्रवण करो। अंधकासुर ने पहले शिव जी के साथ बड़ा घोर संग्राम किया था, परंतु पीछे बारंबार सात्विक भाव के उद्रेक से शंभु को प्रसन्न कर लिया और वह गणों का अध्यक्ष बन गया। व्यास जी ने पूछा, अंधक कौन था और वह किसका पुत्र था? उसने शंभु की गणाध्यक्षा कैसे प्राप्त की? सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, किसी समय भगवान शंकर अपने गणों तथा पार्वती को साथ लेकर कैलाश से विहार करने के लिए काशी आए। उन्होंने काशी को अपनी राजधानी बनाया, भैरव को उसका रक्षक नियुक्त किया। किसी समय वे अपने गणों के साथ मदराचल पर गए और वहां पर पार्वती के साथ विहार में प्रवृत्त हो गए। पार्वती ने क्रीड़ा करते हुए सदाशिव के नेत्र अपने दोनों हाथों से बंद कर दिए। नेत्रों के बंद हो जाने पर क्षण भर में घोर अंधकार छा गया। उनके ललाट का स्पर्श करते ही उस क्षणता से पार्वती के दोनों हाथों से श्वेत बिंदु टपकने लगे। तब उससे एक बालक उत्पन्न हुआ जो भयंकर विकराल मुख वाला, महाक्रोधी, अंधा, कुरूप तथा विकृत स्वरूप वाला था। इस प्रकार के रूप वाले उस पुरुष को देखकर गौरी ने महेश्वर से पूछा कि यह कौन है? महेश बोले, तुम्हारे द्वारा मेरे नेत्रों को बंद कर दिए जाने पर तुम्हारे हाथों के स्वेद से यह अंधक नाम का असुर प्रकट हुआ है। तुम ही इसकी जन्मदात्री हो, अतः इसकी रक्षा करो। इसके बाद हिरण्याक्ष नाम का एक असुर पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने लगा। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे अंधक को पुत्र रूप में प्रदान किया। भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण कर हिरण्याक्ष का वध किया। इसके बाद नरसिंह रूप धारण कर हिरण्याक्ष के बड़े भाई हिरण्यकश्यपु का वध किया। अंधक ने घोर तपस्या कर बलशाली होने का वर प्राप्त कर लिया। उसने भगवती पार्वती की सुंदरता की गाथा सुनकर उन्हें प्राप्त करने के लिए भगवान शिव के पास एक दूत भेजा। अंत में उसे शिव जी से घोर युद्ध करना पड़ा। शिव जी ने अपने त्रिशूल से उसका हृदय विदीर्ण कर दिया और उसके शरीर को अपने त्रिशूल पर टांग कर आकाश में उठा दिया। सूर्य की किरणों से संतप्त हिम खंडों से खंडित होने पर भी उस दैत्यराज ने प्राण त्याग नहीं किया और भगवान शंकर की निरंतर स्तुति करता रहा। यह देखकर परम दयालु भगवान शंकर ने उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर उसे गणपत्य पद प्रदान कर दिया।
भक्तों, आगे की कथा में शुक्राचार्य द्वारा काशी में शुक्रेश्वर लिंग की स्थापना तथा मृत संजीवनी विद्या प्राप्त करने का कथा का वर्णन है। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, मृत्युंजय भगवान शिव से जिस प्रकार शुक्राचार्य ने मृत्यु नाशनी विद्या प्राप्त की उसे आप सुने। पूर्व काल में भृगुपुत्र शुक्राचार्य काशीपुरी में ईश्वेश्वर प्रभु का ध्यान करते हुए दीर्घ काल तक तप करते रहे। उन्होंने वहां परमात्मा शिव का शिवलिंग स्थापित किया तथा उग्र तपस्या करते हुए मूर्ति अष्टक के 8 श्लोकों से शिव जी की स्तुति करते हुए उनको बार बार प्रणाम किया। भगवान शंकर उनकी उग्र तपस्या से प्रसन्न होकर कहने लगे, हे वृप्रवर्य, आप इसी शरीर से मेरी उदर रूपी गुहा में प्रविष्ट हो, पुनः लिंगेंद्रिय मार्ग से निकलकर पुत्र भाव को प्राप्त होंगे। मृत संजीवनी नाम जो मेरी निर्मल विद्या है, उसका निर्माण मैंने स्वयं अपने तपोबल से किया है। उस मंत्र रूपा महाविद्या को मैं आपको प्रदान करता हूँ। आप जिस किसी को उद्देश्य करके इस विद्या का आवर्तन करेंगे, वह अवश्य ही जीवित हो जाएगा। आपके द्वारा स्थापित किए गए इस लिंग का नाम शुक्रेश्वर होगा। जो मनुष्य इसकी अर्चना करेंगे, उनकी कार्य सिद्धि होगी। ऐसा कहकर भगवान शंकर ने शुक्राचार्य को आशीर्वाद दे दिया। भक्तों, आगे की कथा में बाणासुर पर शिव की कृपा का वर्णन कथा में बताई जा रही है। बाणासुर बलि का औरस पुत्र था। दैत्यराज बाणासुर अपने बल से तीनों लोकों को तथा उसके स्वामियों को जीतकर सोड़ित नामक कुर में राज्य करता था। उसकी 1000 भुजाएं थीं। बाणासुर की पुत्री का नाम उषा था। उसका विवाह भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध के साथ हुआ। बाणासुर महान शिव भक्त था। शिव भक्ति में लीन होकर उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तांडव नृत्य किया। उसके सुंदर नृत्य से प्रसन्न होकर भगवान रुद्र ने वर मांगने को कहा। बाणासुर ने शिव जी की निर्विकार भक्ति, अक्षय गणपत्य गणों का अधिपति का भाव तथा प्राणियों के पति दया भाव आदि वर मांगते हुए प्रेम पूर्वक शिव जी की स्तुति की। बाणासुर यह वचन सुनकर भगवान सदाशिव, तुम सब कुछ प्राप्त करोगे, इस प्रकार कहकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। भक्तों, आगे की कथा में गजासुर वध की कथा तथा कृत्तिवासी स्वर्णलिंग की स्थापना का वर्णन है। गजासुर महिषासुर का पुत्र था। जब उसने सुना कि देवी दुर्गा ने मेरे पिता को मार दिया था, तब उसने बदला लेने की भावना से घोर तप किया। उसके तप की ज्वाला से सब जलने लगे। ब्रह्मा जी से वर पाकर वह गर्व में भर गया और अत्याचार करने लगा। इसी क्रम में वह काशी आया और भक्तों को सताने लगा। दुखी देवताओं ने ब्रह्मा जी के साथ भगवान शंकर से प्रार्थना की। भगवान शंकर ने घोर युद्ध में उसे हराकर त्रिशूल में पिरो दिया। तब उसने भगवान शंकर का स्तवन किया। गजासुर के द्वारा वर मांगने पर भगवान शिव ने कहा, हे दानवराज,
तेरा यह पावन शरीर मेरे इस मुक्ति साधक काशी क्षेत्र में मेरे लिंग के रूप में स्थित हो जाए। इसका नाम कृतिवासेश्वर होगा। यह संपूर्ण लिंगों में शिरोमणि और मोक्ष प्रद होगा। यह सुनकर विष्णु और ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं का मन हर्ष से परिपूर्ण हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मुनि सत्तम, मैंने तुमसे रुद्र संहिता के अंतर्गत इस युद्ध खंड का वर्णन कर दिया। यह खंड संपूर्ण मनोरथों को प्रदान करने वाला है तथा भुक्ति मुक्ति रूपी फल देने वाला है। इस प्रकार रुद्र संहिता का यह ब्रह्मा और श्री नारद जी का कल्याण कारक संवाद पूर्ण रूप से संपन्न हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।